फेमस टीवी सीरियल अनुपमा के आगे आने वाले एपिसोड में अनुज हाथ जोड़कर अनुपमा से कहने वाला है, मेरे साथ चलो मेरे घर रहने के लिए। हाथ जोड़कर अनुज अनुपमा से भीख मांगने वाला है और आप देखेंगे आगे आने वाले एपिसोड में अनुज की बात मानने के लिए अनुपमा तैयार भी हो जाएगी। वेल, अनुपमा इतना ज्यादा अनुज को रोते हुए बिलखते हुए नहीं देख सकती। ऐसे में वो फैसला करेगी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक श्रुति और आद्या के पैनिक अटैक्स की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाती, वो जाकर अनुज के घर पर रहेगी। वेल, सीरियल की कहानी में असली धमाका यहीं से होने वाला है। शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर अब आद्या को अनुपमा का अनुज के साथ घर पर आकर रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आद्या अनुज के सामने, अनुपमा के सामने कुछ शर्तें रख देने वाली है। अनुपमा साफ साफ आद्या से कहेगी कि वो यहाँ अनुज के कहने पर आई है और आद्या अनुपमा के सामने शर्त रख के कहेगी कि आप मेरे पॉपी और श्रु के बीच नहीं आएंगी। आप मेरे पॉपी और श्रु के साथ किसी तरह का रिश्ता बनाने की कोशिश नहीं करेंगी। आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां साफ साफ कह देगी अनुपमा सबसे कि वो यहां पर सिर्फ तब तक है जब तक श्रुति और आद्या की तबीयत ठीक नहीं हो जाती। और आद्या अनुपमा से साफ साफ कुछ शर्तें रखकर कहेगी कि जल्द से जल्द इस घर से अपना सामान पैक कीजिए और यहाँ से चली जाइए। कहानी अब यहाँ से किस मोड पर जाती है? जो वक्त अनुपमा को मिला है आद्या के साथ रहने के लिए, उसमें वो अपनी छोटी को वापस ला पाती है या नहीं, देखना होगा।